हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मोहित कुंडू। और आज हम क्या करने वाले हैं भाई कि जो लाइट रेज हैं वो आपके स्पेरिकल मिरर के साथ कैसे बिहेवियर करेंगे, उसके रिगार्डिंग कुछ लॉज हैं। तो उसमें आपका जो फर्स्ट लॉ है भाई वो क्या बोलता है, देखिए आपका क्या है, एक स्पेरिकल मिरर लेते हैं हम सबसे पहले, और उसको अगर आपने एक तरफ से पॉलिश कर दिया गया है, यानी कि इस तरफ से पॉलिश किया, तो ये हो जाएगा कनकेव मिरर। और देखिए भाई, आप इसके ऊपर आपने एक प्रिंसिपल फोकस, ये आपका क्या था, पोल। और यहाँ पर क्या होता है भाई, फोकस इतनी ही दूरी पर क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप देखिए भाई, अगर लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस आती हैं भाई, लाइट रेज क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अगर लाइट रेज आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से। इज दैट क्लियर, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट क्या है भाई, अगर आपकी लाइट रेज हैं जो वो फोकस से गुजरें तो कैसे निकलेंगी, देखिए भाई, इफ द लाइट रेज, ये इंक को क्या हो गया भाई आज, अगर देखिए ये आपकी क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल हो गया है, ये क्या था, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट रेज आपकी फोकस से गुजरती हुई जाएं तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसी हो जाएंगे भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहला पॉइंट क्या था, अगर लाइट रेज आपकी कैसी गई हैं भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू फोकस पॉइंट। अगर दूसरा पॉइंट क्या है, इफ द लाइट रेज पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड लॉ क्या बोलता है भाई इसमें आपका, देखिए देखिए भाई, थर्ड लॉ क्या बोलता है, ये आपका कौन सा मिरर हो गया, कनकेव मिरर। अगर आपकी लाइट रेज आई हैं और वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ किसी एंगल पर इंसिडेंट हुई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो वो एक एंगल के साथ ही मुड़ेंगी, जिसको आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर आई इज इक्वल टू आर, ये चीज़ पढ़ी थी भाई आपके कमेंट बॉक्स में, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाज गिवन बाय, तो आपको बताया था वो एम यू सील्ड, ठीक है। ये आपके तीन क्या हैं, लॉज हैं भाई। और एक चीज़ और आती है जो कहीं कहीं पर यूज होगी भाई आपकी, अगर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के आएंगी, मान लो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और लाइट रेज इस पाथ से यहाँ पर आई हैं तो इसी पाथ से वापस चली जाएंगी। इफ़ द इंसिडेंट लाइट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट विल फॉलो सेम पाथ बैकवर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इन चारों लॉज को यूज करते हुए हम क्या करेंगे भाई, रे डायग्राम्स बनाने वाले हैं कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर कैसे बिहेव करता है। ये जैसे कनकेव मिरर के लिए हुआ, आप कन्वेक्स मिरर के लिए भी ये चीज़ यूज कर सकते हो भाई, जैसे कि अंदर से पॉलिश कर दिया और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हुई। अगर लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई हैं, वैसे तो यहाँ से डाइवर्ज हो जाएंगी भाई, क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल सीम टू मीट एट फोकस, कहाँ मिलती हुई दिखाई देंगी, फोकस पर भाई। और एक पॉइंट ये है कि आपकी अगर जो लाइट रेज हैं भाई वो फोकस से, देखिए फोकस से कैसे आती हुई दिखाई देंगी, यूं, ये क्या था, फोकस, और फोकस से आती दिखाई देंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू पैरेलली, कैसे गुजर जाएंगी भाई वे, पैरेलली। और अगर लाइट रेज एक एंगल बनाएंगी तो उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मान लो ये एंगल ऐसा था तो ये इसके साथ आई और आर बन जाएगा। और जो फोर्थ केस था भाई उसमें क्या था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रेज निकल रही है भाई, मान लो ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या था, फोकस, तो ये इसी पाथ से आती है और इसी से वापस जाती है। इज दैट क्लियर।